मैं हूँ मीठी और मैं हूँ अनुराग। एक बार फिर से किशोर का शोर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे पहले प्रतियोगी है जितेश। और हमारे दूसरे प्रतियोगी है आनंद। इस खेल का जादू लहर की तरह फैल गया है। बड़ी संख्या में किशोर और किशोरियों ने इसे देखा और इस गेम में हिस्सा लेना चाहते हैं। आज तो कमाल ही हो गया। आज जो सच के डब्बे में कदम रखने वाला है उसने तय किया है कि वो अपना परिचय छुपाएगा नहीं, बल्कि खुल के सबके सामने आएगा अपनी समस्याएं लेकर। तो स्वागत कीजिए ढोलाराम का। मेरा नाम ढोलाराम है और मैं 15 साल का हूँ। कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब सा हो रहा था। अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे और रात को सोने के वक्त भी मुझे अजीब सा होता था। समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे शरीर के साथ हो क्या रहा है। ना पढ़ाई में ध्यान लगता था और ना खेल में। पूछूँ तो किससे पूछूँ। एक दिन हमने दीवार पर बाबा का इश्तिहार देखा तो पता चला कि हमें स्वप्नदोष हुआ है और बाबा ठीक कर देंगे। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। सोचा दोस्तों से उधार ले लूं, लेकिन माँ और बाबूजी को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। आखिर करें तो क्या करें। ये है ढोलाराम और स्वप्न दोष की वजह से है वो परेशान। और आज का हमारा पहला सवाल पूछेंगी हमारी A&M दीदी। जितेश और आनंद, आप दोनों तो ढोलाराम के हम उम्र हो, तो मेरा ये प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि ये स्वप्न दोष कोई गलत चीज है क्या? सही। जो लड़के गलत विचार रखते हैं, लड़कियों के बारे में खराब फिल्में देखते हैं, उन्हें ये सब होता है। बिल्कुल गलत। स्वप्न दोष आपके बढ़ते हुए शरीर के विकास का एक प्रतीक है। जब आपकी उम्र के लड़कों में उनके शुक्राणु परिपक्व होने लगते हैं तो वो स्वप्न दोष के रूप में आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि इसका संबंध आपकी सोच, आपके विचार से हो। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। क्या स्वप्न दोष का इलाज कोई हकीम या डॉक्टर कर सकते हैं? नहीं, हमारे पापा ने हमको बताया है कि ये उम्र के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। बस अपनी सेहत और व्यायाम पे ध्यान दो। बिल्कुल सही कहा जितेश तुमने। ये हमारे शरीर की प्रकृति का हिस्सा है। तुम्हारे जैसे बढ़ती उम्र के लड़कों को इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही इससे तुम्हारे शरीर में कोई कमजोरी पैदा होगी और ना ही तुम्हें थकावट महसूस होगी। तुम बस अपने खान पान और व्यायाम पर ध्यान दो ताकि तुम्हारे शरीर का सर्वांगीण विकास हो। जितेश को मिले अभी तक 1 अंक और आनंद को 0। और अब हमारा तीसरा सवाल। कुछ लड़कों को डर लगता है कि स्वप्न दोष की वजह से वो नपुंसक हो जाएंगे। सही या नहीं? सही। स्वप्न दोष होंगे तो आगे चलकर नपुंसक तो बन ही जाएंगे, ऐसा हमारे भैया ने बताया। बिल्कुल गलत बताया है तुम्हारे भैया ने। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, स्वप्न दोष तुम्हारी उम्र के लड़कों के शरीर में आ रहे बदलाव की एक निशानी है। इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये तो इस बात का प्रतीक है कि शरीर का विकास हो रहा है। स्वप्न दोष की वजह से तुम्हारे प्रजनन की क्षमता में कोई कमी नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं होगी। इसीलिए इसे घबराने की नहीं बल्कि इसे समझने की ज़रूरत है। और सुनो, ये बात तुम अपने भैया को भी बता देना। तो आज के हमारे विजेता है जितेश। आपका इंतजार करेगा। मन के सारे विकारों को भूल जाइए और हिचकिचाइए नहीं, हम आपकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। ये बस आपकी आवाज़ पहुंचाने का एक जरिया है। सांझ हो या भोर, अब हर समय गूंजेगा किशोर का शोर।